नमस्कार, मैं संजय मेहरोलिया और आप देख रहे हैं आपका न्यूज़। आपका न्यूज़ में आज हम महंगाई पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं राष्ट्रीय भीमसेना के अध्यक्ष आर.आर. पांड्यन साहब। आर.आर. पांड्यन साहब, आपका न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी श्रोताओं को। पांड्यन साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में आज पेट्रोल के दाम 86 रुपीज़ 76 पैसे हैं और डीजल के दाम 77 रुपीज़ प्लस 76 पैसे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो दाम है सही है? देखिए, एक्चुअली जो पेट्रोल और डीजल का जो भाव है, जो उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। जब भी बैरल जब का भाव कम हुआ था तभी इन्होंने भाव कम नहीं किया, और अभी आपने देखा होगा डॉलर की जो स्थिति है एकदम, मतलब सरकार का मतलब जो मतलब कंट्रोल नहीं कर पाई और अपना जो पैसा टूटते जा रहा है और डॉलर बढ़ते जा रहा है, इसकी वजह से भी ये जो जो डीजल और पेट्रोल का भाव है जो मतलब आसमान को छू रहा है। एक्चुअली देखेगा तो हर स्टेट में अपना अपना अलग अलग इन्होंने मतलब जो रेट रखा है। एक्चुअली पहला इनका बोला था जीएसटी, मतलब इन्होंने जीएसटी के दायरे में इन्होंने लाया नहीं, ये लोग वन नेशन वन टैक्स बोलते हैं, तो डीजल पेट्रोल को ये लोग दायरे से बाहर क्यों रख रहे हैं? तो मेरा बोलना है कि अगर लोगों को ये हताहत जो हो रही है, जो तकलीफ़ हो रही है, जो सहन करना पड़ रहा है, जो जिसकी वजह से महंगाई भी मतलब बढ़ रही है, अगर डीजल का भाव बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, उससे भाजी तरकारी और चीज़ का भी भाव बढ़ता है। तो जब ये जो गवर्नमेंट बनी बीजेपी गवर्नमेंट ने उन्होंने सब चीज़ को जीएसटी के दायरे में लाएंगे, तो क्यों नहीं डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाते हैं? जब से जीएसटी लागू किया है तो इन्होंने कैसा है कि बहुत सारी चीज़ों में इन लोग टैक्स वसूल नहीं कर पाए, और ये जो पेट्रोल डीजल ऐसी चीज़ है कि एक दूध देती गाय है, मतलब हर आदमी मजबूर है, डीजल और पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा उनको, तो उसको मालूम है ये एक ही जगह है जहाँ पर हम लोग अपना मुनाफा वसूल कर सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल का उनका जो मुनाफा हुआ है इस डीजल पेट्रोल के अंदर 11 लाख करोड़ का, ठीक है? तो अब वो 11 लाख करोड़ कमा चुके हैं तो इनको इसमें राहत देनी चाहिए। मैं तो मतलब लोग जो हताहत हो रहे हैं, जो भाव डीजल का पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, कॉमन आदमी उससे बहुत त्रस्त है, और मुझे लगता नहीं है कि ये जो इन लोग जो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जिसने जो झूठे वादे करके यहाँ पर आई है, कि उनके मतलब इनके कैपेबल नहीं थे, पर उन्होंने अपने अपना होता चादर मतलब चादर से पैर मतलब बाहर निकाल के उन्होंने मतलब वादे कर दिए। उन्होंने देखा नहीं कितनी चादर है, कितना पैर लंबा करना चाहिए, और जो मन में आया उन्होंने वादा कर दिया लोगों से, अब वो सब वादे में विफल हो रहे हैं और सब फेलियर हो रहा है उनका। तो बस अब ये जो मुनाफा वसूली का एक ही माध्यम है, और देश चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो एक ही माध्यम पेट्रोल डीजल, तो उसकी वजह से उन लोग, और हमारी मजबूरी है, हम मतलब हम लोग मजबूर है कि अगर पेट्रोल डीजल हमको मजबूरी खरीदना ही पड़ता है, हम इतने मतलब ये हो गए इसकी वजह से। और इन्होंने आपने देखा होगा कि कुछ पड़ोसी देश है हमारे, नेपाल और भूटान, हर हम उनको 34 रुपये 38 रुपये में देते हैं, तो जब हमको डीज़ल पड़ता है 37 रुपीज़, तो हम बाजू वाले स्टेट को, मित्र जो स्टेट है उसको 38 रुपये या 37 रुपीज़ कैसे दे सकते हैं? मुझे समझ में आ रहा है। हमारे इधर खुद के इधर हमारे नेशन के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर हमको वही 40 तो कि उसके अंदर 400% टैक्स लग जाता है एक्स्ट्रा, और हमको 87 रुपीज़ 86 रुपीज़ 88 रुपीज़, जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग जैसे प्रोविजन है, वो हिसाब से दिल्ली थोड़ा सस्ता है, तो हिसाब से हमको मतलब लूट, मतलब सरकार लूट रही है हम लोग को एक तरफ से। तो इसी देखो 2019 में सत्ता की बात है, मुझे तो नहीं लगता बीजेपी सरकार जिस तरह के उन्होंने जो वादे खिलाफी की, 15 लाख रुपए आपके खाते में आएगा, लोगों ने लाइन लगा के खाते अकाउंट खोल दिए, काला धन बोला जो नोटबंदी की काला धन बाहर निकलेगा, काला धन बाहर निकला नहीं, और अभी रफेल का घोटाला है, उसके बाद अभी जो डीजल पेट्रोल पे जो नियंत्रण है, जो महंगाई हम लोग मतलब के कम करेंगे, लोगों को मतलब सुख सुविधा होगी, अच्छा होगा, तो जितने भी उन्होंने वादा जो किए हैं उन्होंने मतलब सब वादे में फेल हो गए, और इसका परिणाम को ज़रूर भुगतने मिलेगा। आज उन लोग अभी जब ये देख रहे हैं कि ये सब मुद्दा चल रहा है, और जो जॉब का मुद्दा था कि 2 करोड़ जॉब हर साल देंगे, ये सब दे नहीं पाया, तो अभी उन लोग राम बोलते हैं, राम का सहारा, राम भरोसे इनकी सरकार चलने वाली है, और 2019 में ये लोग राम का नाम लेके ही जाने वाले हैं आगे, मुझे लगता है लोगों के सामने। राष्ट्रीय भीमसेना अध्यक्ष, जिनका कहना है कि आने वाले 2019 के इलेक्शन में शायद ही बीजेपी वो फिर से अपने सत्ता में वापसी कर सके, क्योंकि महंगाई बहुत चरम सीमा को छू गई है, जिनका ये कहना है कि फिर से शायद बीजेपी की सरकार नहीं आ सकेगी। कैमरामैन विवेक कोटवाल के साथ मैं संजय मेहरोलिया, आपका न्यूज़।